ये आगे जो हमारे कलेजी के जो सैंडविच हैं वो रेडी हो रहे हैं, और देखें मसाला माशाल्लाह जबरदस्त। चलो फिर मैं चले हां, तुसी देख लो। अस्सलाम वालेकुम भाई, जिथे फ्री दी चीज मंडी जांदी तुसी उथे फिर मैंने नो पहले पहुंचे हुंदे हो। कदी ते कल्ले छड़ दो मेनू ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद काशिफ मदीना मुनव्वरा से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं पहुंचा हूं मस्जिद कुबा के पास। मस्जिद कुबा के पास यहां पे एक बहुत ही जबरदस्त एक मार्केट खुली है नई, तो आज इसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करते हैं। इस तरफ है जी मस्जिद कुबा, और मस्जिद कुबा के बिल्कुल साथ ये न्यू मार्केट जो है वो ओपन हुई है। तो अभी चलते हैं इस मार्केट के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है और हमारे लायक खाने का क्या है यहाँ पे। तो जी अभी इंटर होते हैं इस मार्केट के अंदर, और इस मार्केट का नाम है मस्जिद कुबा। तो जैसे ही इंटर होते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल सी वाइब्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह पुराना सऊदी अरेबिया यानी उस तरह की तर्ज पे इस मार्केट को बनाया गया है। तो यहाँ पे फहीम से पहले पहुँच चुका है, तो देखते हैं किस साइड पे बैठा हुआ है। तो ये जी सामने बंदा हमसे पहले यहाँ पे पहुँच गया। इतने आ गए भाई, जिथे फ्री दी चीज मंडी जाती है उत्थे फिर मैंने पहले पहुंचे होंगे हो। कभी तो कल्ले छड़ दो मैं चले माशाल्लाह आ गए। मैं तो जिधर जाता हूँ भाई सबसे पहले आप पहले उधर ही बैठे होते, क्या मकसद? मुझे क्या बता, इधर आने का मकसद है कुबा के अंदर आपका क्या मकसद है मुझे ये बता दें। देखते हैं फिर बताता हूँ आपको क्या मकसद है। चले ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे मस्जिद नबी के पास अजवा तक आइसक्रीम है, और यहाँ पे मुझे जनाब उसकी एक ब्रांच यहाँ पे भी नज़र आई है, आप सामने देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी ने अजवा तक आइसक्रीम खानी है मदीना में, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। बिल्कुल कुबा के साथ ही है, बिल्कुल इस तरह जैसे आपने बताया। आपने अभी शुरू में कुछ खाना पीना तो नहीं, पहले खा पी के बैठे होंगे मेरे आने से? नहीं यार, मैंने इंतजार किया सच कहें, मैंने कहा आएंगे तो इकट्ठे खाएंगे। यार मैं अकेला खा सकता था यार, छोड़ दे यार क्यों? नहीं मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं अकेला खा सकता था। मैंने कहा नहीं, काशिफ भैया आएंगे फिर खाऊंगा। चलें चलते हैं फिर। यहाँ तो आइसक्रीम तो हम खाने से रहे, कुछ और ही देखते हैं यहाँ पे। तो इस तरफ जो है ना, ये हेरिटेज डेट्स के नाम से यानी खजूर जो मदीना मुनव्वरा की है उसके नाम से यहाँ पे कोई कॉफ़ी शॉप है ये। और इस तरफ जो है ये मेरा ख्याल कुछ और शॉप्स वगैरह जो वो बन रही हैं। इस तरफ ये जय नमाज की मेरा ख्याल कुछ शॉप्स वगैरह जो है वो अभी उनका काम चल रहा है। तो जिस तरफ थोड़ी सी मुकम्मल है शॉप्स, हम उस तरफ चलते हैं। तो चल के रात को दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ट्रेडिशनल पुराने वक्तों में बैठकर चाय या कॉफ़ी पिया करते थे, तो यहाँ पे लोग बैठकर जो है वो कॉफ़ी और चाय को जो है इंजॉय कर रहे हैं। और बड़ी ज़बरदस्त इस तरफ जो है वो सिटिंग बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मज़ा आ रहा है ना, इंटर होते ही मज़ा आ रहा है बिल्कुल। तो दूसरी तरफ यहाँ पे फ्रेश जूस की जो है वो भी शॉप है, और उसके साथ ये क्या लोग मजबूत क्या इस तरह का कुछ है ना, मंतु वगैरह? नहीं मजबूत है, मजबूत है। हाँ, हाँ, ये मजबूत की एक ये ब्रांच है यहाँ पे। और आगे कशरी अलोंगदा उसके नाम से यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी शॉप है। और खाने पीने की तो यहाँ पे बड़ी जबरदस्त वैरायटी मुझे लग रही है, और एक तरह से फूड स्ट्रीट ही बना रहे हैं। फूड स्ट्रीट और वो भी जो है ना ये अरब जितने भी मतलब खाने पीने ना उनकी, ये मेरा ख्याल मुझे लग रही है। इस तरह कुछ बन रहे हैं उधर, ब्रेकफास्ट के लिए भी बन रहे हैं जी जी। और यहाँ पे इस तरफ जो है ये शवारमा 1994 जो है उसकी एक ब्रांच यहाँ पे मेरा ख्याल ये भी ओरिजिनल शवारमा जो है ये भी बन रही है। और आगे चलते हैं और आगे चलकर देखते हैं कि और यहाँ पे क्या कुछ है। सर जी आओ, थानू कोई बादाम शदाम खवा दिए, थोड़ी को जान बना दिए थोड़ी जी। चलो चलो बिस्मिल्लाह, ये कह रहे हो तो फिर चलो। हाँ जी, यहाँ पे एक शॉप है जिसके अंदर सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। तो इस तरफ इंटर होते ही सबसे पहले जो है सुकरी खजूरें हैं, और ऊपर अंजील वगैरह। और ये जनाब चिलगोजा है मेरा ख्याल है ना? नहीं चिलगोजा नहीं, तो क्या है फिर? ये कोई और चीज़ है ये मेरा ख्याल, इसको जो है ना बादाम को जो है ना क्रश करके इसको रखा गया है। और ये पिस्ता है शायद, हाँ पिस्ता को क्रश करके रखा गया है। तो यहाँ पे अजवा खजूर भी है और सुकरी भी है, और इसके साथ यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स जो है ना तकरीबन हर किस्म का जो है यहाँ पे जो है ना अवेलेबल है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखो यार, ये निम्को भी आ गई यहाँ पे पाकिस्तान की। ये हाँ जी बिल्कुल, ये निम्को, ये तो वैसे इनकी ट्रेडिशनल है ये चीज़ें, ये हो गई ये तो बहुत। लेकिन ये निम्को जो है देखकर थोड़ी सी मुझे वो हुई है, पहले यहाँ पे निम्को मैंने पहली दफ़ा देखी है यहाँ, मैं खुद इधर मैंने तो, क्योंकि यहाँ पे हम पैक निम्को देखते थे, लेकिन जो खुली हुई है ना यहाँ पे मुझे पहली दफ़ा देखी। तो यहाँ पे अगर आप ये आपके सामने जो है इलायची और ये गावा ट्रेडिशनल अगर आप
खरीदना चाहें तो यहाँ पे ये सब कुछ भी है। यहाँ पे एक साइड पे जेली वगैरह की भी एक इन्होंने एक साइड बनाई हुई है, अगर जेली वगैरह लेना चाहते हो। और दूसरा ये इस तरफ जो है मदीना का जो फेमस दुग्गा है, दुग्गा जो आजकल रमज़ान में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे ये भी अवेलेबल है। यानी तकरीबन हर किस्म का ड्राई फ्रूट और इस तरह की ये वैसे मशहूर है। हाँ। इनकी ब्रांड तसाली नाम है इनका मेरे ख्याल में, ये लोकल ब्रांड है तसाली, उसके नाम से यहाँ पे ये भी शॉप है। तो थोड़ा सा हमने मार्केट का भी टूर किया दोस्तों की, कुछ खाने पीने वाले भी चलो देखते हैं। आप बलीला खाना चाहें, पतादस खाना चाहें? ये बलीला पतादस हो गया पुराने, ठीक है कुछ नई चीज़। हालांकि रमज़ान में तो यही खाते हैं, तो कल हमने खा लिए ना पतादस, ये तो है। तो बलीला जो है ना वो फिर किसी और दिन कर लेंगे, अभी यहाँ पे कुछ और है तो। ये एक सॉल्ट रेस्टोरेंट है, पता नहीं इन्होंने बनाए हुए हैं। अच्छा वो चेक करते हैं इनका ज़रा, चलें फिर उस तरफ। तो ये सामने जी सॉल्ट रेस्टोरेंट है, तो इस तरफ चलते हैं और देखते हैं इनके पास। यूनिक कॉन्सेप्ट है, देखिए एक तरह से उन्होंने तो इस तरफ जो है रेस्टोरेंट एरिया, तो यहाँ पर जो है ना सारा सिटिंग एरिया बना हुआ है। अगर आप यहाँ से रेस्टोरेंट से कुछ भी आप लेते हैं खाने के लिए, तो यहाँ पे आप बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पे बेहतरीन मॉल है। और दूसरी तरफ खूबसूरत व्यू जो है मस्जिद कुबा का आप एंजॉय करेंगे। बेहतरीन व्यू मदीना मुनव्वरा में, आप एक ही जगह पे बैठकर खाना भी एंजॉय करेंगे, और सामने इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा का व्यू भी एंजॉय करेंगे। और मदीना मुनव्वरा का मौसम जो है आजकल माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन है, ठंडा है। हाँ जी, बारिश बताई हुई है ना, बारिश बताई हुई हो सकता है आज। दुआ करें आप तो माशाल्लाह, आमीन, बारिश आ ही है। आपके कहने से बारिशें आ भी जाती हैं। चले आप कह रहे हैं क्या मतलब इस मेरा ख्याल कॉफी शॉप है, खाने पीने की देख के बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है। तो ये गाड़ी के अंदर जो है ना पूरी इन्होंने कॉफी शॉप, कॉफी भी है, आइसक्रीम भी है। हाँ, और दूसरी वो उधर अभी बंद है, यहाँ पे बर्गर वगैरह सारा कुछ, प्राइस वगैरह बिल्कुल इस तरह का। तो अभी आगे हम फूड स्ट्रीट की तरफ, तो सबसे पहले आप देखेंगे हम खाने के लिए यहाँ पे क्या कुछ है। इस तरफ है जो बड़े सारे हैं, इस तरफ जो है सोबिया वो फिमटू, और ये तो मेरा ख्याल अफ्तारी के वक्त जो है ना वो काम आने वाली चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है इस तरफ, और दूसरी तरफ ये मंतू यगमिश, और कुछ आगे जाके जो है ना ये किबदा और फूल की यहाँ पे एक मुझे आई है। और ऊपर देखें ये ट्रेडिशनल जो है ना खजूरों के पत्तों से छत को जो है उन्होंने यहाँ पे बनाया, बिल्कुल जैसे पुराने दौर में होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरफ जो है यानी पुराने दौर की वाइब्स जो आ रही हैं, और दूसरी तरफ ये सिटिंग एरिया भी बड़ा बेहतरीन है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं किबदा और फूल की तरफ या मंतू यगमिश, ये तो मैं पसंद नहीं इतना करता। ठीक है जो वो ये किबदा और फूल ले लेते हैं, तो इधर चल के देखते हैं फिर अपने लिए। ये आगे जो हमारे कलेजी के जो सैंडविच हैं वो रेडी हो रहे हैं, और देखें मसाला माशाल्लाह ज़बरदस्त। कलेजी पसंद करते हो सर जी? हाँ जी, क्यों नहीं करते सर, ऐसे कुर्बानी का जानवर थी, पहले कलेजी खाने हैं तो बात कर दें। तो इस वक्त जो है ना यहाँ कुर्बानी का जानवर ही समझे जो हमने किया, और उसकी कलेजी के हम सैंडविच बनते हैं। तो इसकी जो खुशबू आ रही है ना बड़ी ज़बरदस्त है, ऊपर से ठंडा मौसम चल रहा है, यहाँ से गर्माइश ये आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल मिक्स खाता हुआ बड़ा बेहतरीन। सैंडविच, हाँ जी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह। हेलो पाजी, चलो फिर मैं चले। हाँ देख लो, सलाम अलैकुम, अज की दिहाड़ी है ना, बस फिर अगू नहीं ना मेरे नाल आना। धमकी मैं एक फल लो मैं नहीं खाना, नहीं और सामने जाके बैठते हैं टेस्ट करते हैं, और फिर बताते हैं आपको यहाँ पे किस तरह का टेस्ट है इसका। चलो भाजी कलेजी का पानी का बकरा, अच्छा जी आ गया जी हमारे पास कलेजी का सैंडविच। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बेहतरीन, अंदर जो है ना फुल इन्होंने भरी हुई है सैंडविच के अंदर कलेजी, इसके अंदर प्याज वगैरह और सॉस वगैरह जो है मिक्स कर दिए थे। तो अभी इसकी एक बाइट लेते हैं और देखते हैं कि इसका की कमाल है। बस इसे खोल देते हैं ठंडा ना हो जाए। नहीं खोल लीजिए, बिस्मिल्लाह। फहीम भाई बाकी कुर्बानी के बकरे वाले कलेजी, अच्छा मज़ेदार है, चलो भाई आप भी ट्राई करें, करते हैं। लेकिन मज़ा भी आ रहा है, जैसा पीछे मस्जिद कुबा का व्यू भी आ रहा है ना। अच्छा माशाल्लाह, हाँ बिल्कुल, अच्छा खुल जा भाई, खुल जा। रिव्यू तो तुम दे दिता है ना, हम मैं तो सीधा फिर तुझे कुरबानी एक बकरे की कलेजी खाने वाली गल करो। बस बिस्मिल्लाह। कैसा जायका है? ओहो वाकई
ही है, ठीक है। हाँ जी, किब्दा कैसा लगा? किब्दा तो अच्छा था, अच्छा भी है। मैं ना करया, नहीं नहीं सच ही अच्छा था। बस वो जो ठंडा पानी था ना, उसने सर्दी लगाना शुरू कर दिया। तो आज का व्लॉग था यहाँ तक, तो मिलते हैं इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा से नए व्लॉग के साथ। भाई तुसी मजा किया कि नहीं? आके मजा आया तो मैं दसा और बस चल रही है, इसने मजा दोबारा किया। आप काशिप लोकेशन आपको बता रहे हैं, तो ये मार्केट जो है मस्जिद कुबा, बिल्कुल मस्जिद कुबा के साथ है। मस्जिद कुबा के किबला वाली साइड पे आपने 50 मीटर तकरीबन अपनी दाईं साइड पे आपने देखना है मस्जिद बनू उनैफ की तरफ। अगर आप जाएंगे तो मस्जिद बनू उनैफ से बहुत पहले वो मार्केट जो है वो बनी हुई है, तो ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।